हे वेलकम बैक बॉयज़ एंड गर्ल्स टू डाइनोपुर, जहाँ पर पिछली बार हम लोगों ने एक रुइंड सिटी को देखा था। अब मेरे घर के पास में है वो रुइंड सिटी, पर फिलहाल हम लोग यार स्पॉन पॉइंट पे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आसपास एक 96 लेवल का अर्जेंट आवर्स दिखा था एंड आई रियली वॉन्ट इट यार, क्योंकि हम लोग को आज रेक्स टीम करना ही करना है। येस वी आर गोना टीम द रेक्स टुडे, और वो एक 90 वो भी 96 का है, वैसे वो 94 या 96 ऐसे ही कुछ का है, तो उसको आज हम लोग टीम करेंगे। पर उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक अर्जेंट आवेश पकड़ लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, स्टैमिना अच्छा रहता है, वेट अच्छा रहता है। और ये बाय द वे मेरा अर्जेंट आवेश नहीं है, ये एकन का अर्जेंट आवेश है, जिसका नाम इन्होंने चंपक रखा था। बट बाय द वे मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मुझे पहाड़ पर एक ये दिखा था टैपी जा रहा, तो मैंने इसको टीम कर लिया था। इसका नाम वाम मैंने नहीं रखा है, इसका रख दूंगा बाद में नाम, पर लगता बड़ा मस्त है यार ये वैसे वाइट कलर का। और इसके अलावा भी वैसे कुछ और अपडेट्स हैं जो मुझे देने हैं, पर वो मैं 20 पे जाके दूंगा। पर फिलहाल यार हमें एक ट्रैप बना देते हैं अर्जेंट आवेश के लिए। वैसे तो यार मैं ट्रैप्स यूज़ करता नहीं हूँ फॉर टेमिंग अर्जेंट आवेश, बट आज मैं करने वाला हूँ यार, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा लेवल का है और मेरे डाइनोस थोड़ी कम लेवल के हैं। आई डोंट वॉन्ट माई डाइनोस टू गेट किल्ड, सो या आई एम गोना ट्राई एंड मेक अ ट्रैप। या पता है एक बहुत ही रिसोर्स फ्रेंडली ट्रैप मुझे दिखा था आज, बट मेरे ख्याल से कुछ पैच आया और फिर वो ब्रेक हो गया भाई, अब वो और काम नहीं करता है, सो दैट इज़ अ बमर। चलो ये हमारा हो गया, हम यहाँ पे लगाते हैं डोर्स। यार मुझे एक ऐसा लगाना चाहिए था जिससे मैं निकल भी पाऊँ, ये तो मैं निकल ही नहीं पाऊँगा इससे। उठाओ भैया इसको, इससे तो निकलना नामुमकिन है भैया, हमको लगाना पड़ेगा थोड़ा ऐसे है कि हम भी निकल पाएँ यार, जस्ट लाइक दिस। में भी इसमें से अर्जेंट ऑफिस भी निकल जाएगा, पर ओके दिस माइट बी ओके। ओह या ओके, थोड़ा सा हमारे लिए हम थोड़ा अटक से रहे हैं इसके अंदर, बट वेल नो मैटर्स। अब यहाँ पे हमें बस लगाना है डोर और एक और डोर जो कि ओपन रहेगा। यार एस प्लस की एक चीज़ रहती है वैसे जो कई बार परेशान करती है, ऑटोमेटिक ओपनिंग डोर्स। वैसे मेरे वाले तो ऑटोमेटिक है, मतलब मेरे वाले एस प्लस की नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेट्स ओपन दिस अप एंड दिस शुड बी इट। अब मैं बस जल्दी से आके पीछे से डोर लगा दूंगा और इतना काफ़ी होना चाहिए। चलो चलते हैं बॉयस, एक वो जो अर्जेंट आवेश था उसको मैं लेके आता हूँ इधर। हाँ इस तो पकड़ करेंगे उसको। ओके वी हैव गॉट दी अर्जेंट आवेश ऑन अस। इसका कलर काफ़ी अच्छा है देखो, एकदम ग्रीन ग्रीन टाइप का। एंड नेवर माइंड ये 92 लेवल का था, वैसे 96 का नहीं था, माई मिस्टेक, 92 लेवल का था। लेट इज गेट गोइंग। मेरे एकदम इसकी तरह दिख रहा है ये, मैं सही से दिखाऊँगा। ओह मैं सही से दिखाऊँगा एक बार जब हम उसको ट्रैप में अटका दे तब, अभी तो थोड़ा डेंजरस टाइप का है ये। दूर से जब मैंने स्पाई ग्लास से देखा था ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब फ़र्क है वो मेरे को दिखा नहीं था सही से, पर अब जब मैं देख रहा हूँ ना तो भाई मज़े आ गए। ओ वेट अ सेकंड, ये मेरे रैप्टर के पीछे ना पड़े तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पीछे ही आइयो भाई, आई न्यू इट वॉज गना डू दैट। ओके वेट बॉय, वेट पैसिव, डोंट वॉन्ट टू गेट दैट गाय किल्ड, सो नोप नोपडी पूपडीज। एक सेकेंड लेट मी डू दिस एंड ओके ओके वेट। ओके व्हाट भाई, ये तो समझदार रैप्टर निकला, आई मीन अर्जेंट आवेश निकला। ओके व्हाट आई विल डू इज हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, पहले तो इसको खोलो भैया, ये बंद बंद सही नहीं रहेगा ये। ओहो ओके ओके डोंट किल मी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मेरे को थोड़ा इसको यहाँ से लेके आना पड़ेगा। एक सेकेंड ओके व्हाट आई हैव टू डू इज इसको वापस से मुझे इसका एग्रो गेन करना पड़ेगा एक बार लूज करके। ओके फाइन इसका एग्रो तो लूज हुआ, अब हमें वापस से गेन करना पड़ेगा ये। यार ये एकन के डाइनोस के पीछे ना जाए यार, वरना एकन मुझे मार डालेंगे यार, एकन मुझे सच में मार डालेंगे अगर उनके पीछे गया ये तो। ओके आया आ जा ब्रो, इधर आ जा किधर जा रहा है बे, इधर आना ये क्या भाई, पागल हो चुका है यार मेरे को लग रहा है। इधर आ बे, ओए पपलू द टपलू, ये पागल वागल है क्या कुछ मेरे लाल। ओ वाओ इट इज़ टेक्निकली ट्रैप्ड, यू नो इट इज़ टेक्निकली ट्रैप्ड। ओ अब आया भाई, ट्रैप में भी आजा कभी यार, कभी तो आजा ट्रैप में भी आ जा। ओ ओ किधर से था। ओके फाइन बंद करो, निकलना नहीं चाहिए। नाइस फाइनली डूड, ऊफ्स मैं इसकी बॉडी पे ही मारूंगा क्योंकि इनका थोड़ा चांस रहता है टू गेट किल्ड अगर तुम क्रॉसबो से मारते हो तो। आई डोंट वांट टू गेट हिम किल्ड, 92 लेवल का है भाई, आखिरकार किसको बुरा लगेगा।
लेट अस गेट दिस गाय, अगर नहीं हुआ वैसे मतलब जितने मेरे पास एरोज हैं उनमें से, तो मेरे पास थोड़े से नारकोटिक्स और पड़े हैं और थोड़े से स्पेयर एरोज पड़े हैं, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. आई जस्ट होप ये मरे ना यार, क्रॉसबो से थोड़ा डर तो लगता ही है मरने का. 6% चांस होता है शायद से इनके मरने का. दैट माइट बी ट्रैजिक इफ दैट हैपन्स. प्लीज अर्जेंट एविस, प्लीज बॉय, यू नो यू वॉन्ट टू जॉइन माई स्क्वाड, प्रिटी प्लीज. मेरे पास नॉर्मल मीट पड़ा यार, पता नहीं उससे कितनी देर में टेम होगा. पर एक यार हमारा लक देखो यार, यहाँ पे पास में ही स्पॉन हुआ है. ओ नाइस 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 नाइस. भाई तू इधर आ सकता है क्या? हाँ जल्दी से एकदम फटाफट आ जा यार. ओ वाह फटाफट तो आ रहा है वैसे ये. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. रुक 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 रुक. हाइक किसने रख दिया? ओ ये मेरा नहीं है, मैं गलत लेके आ गया यार. सॉरी सॉरी सॉरी. इधर ये तो उनका राफ्टर है, एकन का राफ्टर है ये तो. लॉल यार वो मीट भी है इसके बाद. चलो ठीक है, मैं गलती से एकन का राफ्टर लेके आ गया यार. वो देखो वो खड़ा है मेरा राफ्टर. दोनों सेम टू सेम है भाई, दोनों सेम टू सेम है. ये देखो. ओ भाई क्या बात है, मेरे राफ्टर का नाम तो कुछ है ही नहीं. ये तो हाई क्या भाई, ज़्यादा लेवल का, 180 लेवल का यार. क्या बात है. चलो भाई इसको टीम करने का प्रोसेस करते हैं चालू. हो जाइए भाई यार, 92 लेवल का है ना, तो अच्छा खासा इसको बफ मिल जाना चाहिए यार. देखते हैं कितना बफ मिलता है. चलो वाइज वेट करते हैं. आज यार मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है कि हम रेक्स को टीम कर पाएंगे, ऐसा लग तो रहा है. देखते हैं भाई ट्रैप में वो भी फंसता है कि नहीं फंसता है. चलो ये हो रहा है ना, तब तक मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा पानी पी के आता हूँ. वैसे यहाँ पर रेयर मशरूम्स कितने रखे हैं? थोड़े रखे हैं क्या रेयर मशरूम्स? 6 रेयर मशरूम्स रखे हैं यार. आई कैन टीम दिस गाय. कितने लेवल का है तू? 8 ही लेवल का है. बेकार, बात नहीं करेंगे, अभी नहीं कर रहे, छोड़ो. इसको रख देते अंदर. डूड वी विल हैव टू वेट अ लॉट यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है यार अभी तो. ओ भाई 7% हो रहा है एक बार में यार. भाई बहुत टाइम लगेगा यार, बहुत टाइम लगेगा यार सच में. इसके स्टार्ट से एक बार देखें ज़रा. 1700 हेल्थ विच इज़ ग्रेट. इसकी मतलब कम से कम ऑलमोस्ट 2900 के आसपास हेल्थ हो जानी चाहिए. मेले डैमेज इसका ठीक है, मतलब 100 के करीबन मेरे मतलब है इसका डैमेज, और थोड़ा और बढ़ जाएगा. चलो अच्छी बात है. स्टैमिना भी बढ़िया है, वेट भी अच्छा यार. चलो ओवरऑल अच्छा ही है यार. इसको अभी बूस्ट मिलेगा ना, 45 लेवल इसकी बढ़ रही है अच्छी खासी, तो अच्छा हो जाएगा. 137 लेवल का हो जाएगा ये. क्या बात है. एंड देयर ही गोस. चलो हमारे अर्जेंट एवेस हो चुका है भाई साहब टीम. इसका हम नाम रखेंगे मॉस, क्योंकि ये थोड़ा ग्रीनिश कलर का है. और भाई अब तुम समझ जाओ यार, मॉस थोड़ा ग्रीन कलर का होता है और क्या. इसको खोलते हैं. मैं अर्जेंट अब इसकी सैडल लेके आया था, तो हम लोग इसको ले ही जाने वाले हैं अभी फ़िलहाल के लिए. ओह इट्स नाइस एंड फास्ट ब्रो. यार इसका कलर जो है ना यार, वो बड़ा तगड़ा है यार, बहुत ही प्यारे कलर का हमें मिला है. दूर से मुझे ऐसा लग रहा था कि वाइट कलर का ही है, पर आई गेस वो गामा की वजह से ऐसा लग रहा होगा. बहुत ही सही चीज़ है यार. इसमें भी थोड़ा सा ग्रीन कलर, देखो हल्का सा ग्रीन कलर है एकदम, पर है इनके अर्जेंट अवेज के पास. पर मेरा वाला पूरा ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक एंड ग्रीन है, विच लुक्स अमेजिंग. ओह टेरर बर्ड, ओके सही है यार. पता है मैं कुछ नहीं बढ़ा रहा भाई, उनका ड्रैगन है वो जाने. ओ भाई साहब थॉर्नी ड्रैगन, क्या बात है. ऑर्किल, द नेम इज़ प्रिटी गुड यार, द नेम इज़ ऑसम. ओह स्पीड इतनी अच्छी नहीं है इसकी, पर अटैक्स क्या हैं. ओके ओ भाई साहब, ओके दैट वॉज ग्रेट यार. राइट क्लिक से ये कुछ ऐसे कांटे फेंकता है जिधर भी तुम देखो उधर. हाँ भाई रेंज तो काफ़ी सही है इसकी. ओ भाई रेंज तो बहुत ही अच्छी है यार. ओ बाप रे इसका ये. अच्छा 52 लेवल का है, तो इसलिए शायद से इसका काफ़ी कम हेल्थ है, पर वैसे ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है. चलो वॉइस हम तो निकलते हैं. इसका फाइनल स्टार्ट देख लें, 2000 हेल्थ हो गई है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर हेल्थ, मुझे लगा थोड़ी 2900 के करीबन हो जाएगी, पर ठीक है कोई बात नहीं. स्टैमिना इसका अच्छा हो गया है, वेट भी ठीक है, मेले डैमेज अच्छा है इसका. मैं इसका मेले डैमेज ट्राई करना चाहता हूँ किसी डाइनो पे. एक बार ज़रा ट्राई करके देखते हैं इसका मेले डैमेज. किसी पपलू पे ही ट्राई करके देखेंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है. इस पर करके देखते हैं. चलो ये छोटे से लाइस्ट्रस जो भी है ये इस पर 43. वेल दैट्स वेरी बैड यार. मुझे लगा 240 है इसका, तो काफ़ी अच्छा करता होगा ये, पर नहीं. ओके देन हमें इसका मेले डैमेज में ही वर्फ करना पड़ेगा यार, मेले डैमेज तो बहुत ज़्यादा ही गंदा है इसका. चलो भाई ये तो चलता रहेगा. एक काम करता हूँ, मैं अपने रैप्टर को लेके जाता हूँ वापस घर पे. एक मुझे रैप्टर यार यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं दो तो कैरी कर नहीं सकता हूँ.
और चोंच से शायद से कैरी करना पॉसिबल नहीं है एक रैप्टर को। यप, चोंच से नहीं कैरी कर सकते तुम। सो आई हैव टू टेक दिस वन, अपना मेन वाला रैप्टर लेके जाता हूँ मैं घर पे वापस, और वहाँ पर आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं एक रेक्स पकड़ने का। चलो ओए एक सेकेंड, अभी नहीं चल सकते भैया, अभी तो हमारी हेल्थ ही वैसी बहुत ख़राब हो रखी है। वाडू वाडू, बहुत देर से गर्मी लग रही है मुझे। चलो यार अभी सही है, अभी जल्दी जल्दी पहुँचना तो पड़ेगा ही, टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा तो है नहीं। निकलते ही हैं फिर। कितनी कितनी हेल्थ जा रही है मेरी? हेल्थ तो यार जा रही है, थोड़ी बहुत जा रही है, अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही भाई। निकलते हैं ब्रोस, पहुँचते हैं घर पे, फिर मिलता हूँ तुमसे मैं। भाई ट्रैवलिंग इतनी आसान हो गई ना अर्जेंट एवेस के साथ। चलो अच्छा रहा यार हमने अर्जेंट एवेस टीम करने का सोचा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। चलो मैं एक बार देख के आता हूँ ज़रा, वो जो हमारा हम जिसकी बात कर रहे थे रेक्स की, वो असल में वहाँ पे अभी भी है कि नहीं। कुछ दिनों पहले देखा तो था मैंने उसको, 96 लेवल या 94 लेवल कुछ का था वो। अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ट्रैप मैं कुछ यहाँ पे बनाऊँगा क्योंकि उधर साइड तो वैसे ही इतने सारे क्रीचर्स आते हैं जो कार्निवोरस हैं, सो दैट माइट नॉट बी गुड फॉर अस। देखते हैं, चलो यहीं पर कहीं पर होना चाहिए उसको। ओके ये वाला तो नहीं है कहीं, मे बी यही वाला हो, 16 लेवल का ये तो ना, ये वाला नहीं है, इधर ही कहीं होगा, देखते हैं। और थोड़ा सा रेक्स को वैसे हम लोग मार तो सकते हैं, सही बताओ रेक्स को हम लोग मार पाएंगे? ये हमारा बंदा मार सकता है, भले ही डैमेज काफ़ी कम है हमारे बंदे का भी फिलहाल के लिए, पर ही कैन एक्चुअली किल दिस गाय। सी आई विल शो इट टू यू, देखो 69 डैमेज कर रहा है बस ये इनको। ओह ओके, वेल आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, बट ओके अच्छी बात है कि ये लोग अपने अपने में लगे हुए हैं जिससे मेरे को कुछ ना कर पाएं ये। इसका इतनी जल्दी आई मीन इतने धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है स्टैमिना? काफ़ी धीरे बढ़ रहा है इसका स्टैमिना। इसका स्टैम मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मेले डैमेज तो बढ़ा ही रहा हूँ मैं, पर स्टैम इज रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ओके क्या ये मुझे हिट कर पाएगा वहां से? ओके 40 डैमेज, नॉट अ लॉट बट नॉट, मेरे को वहां से कैसे हिट कर रहा था साला। चलो हम लोग ऑलमोस्ट इसको मारने वाले हैं, असल में इसलिए मरवा रहा हूँ मैं इससे क्योंकि इसका जो लेवल है ना काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा भाई, 3-4 लेवल्स बढ़ जानी चाहिए इसकी, इसको मार के। ओके आई हैव टू चेक ऑन माय स्टैमिना, इस स्टैमिना की वजह से मैं मर ना जाऊँ भाई आज। अभी अर्जेंट एवेस पकड़ा है, नाइस नॉइज़ बॉय। चलो इसका ज़रा देखते हैं कितनी बड़ी है भाई, 4 लेवल बड़ी है, क्या बात है। अभी तो फिलहाल मैं मेले में ही लगा रहा हूँ यार, मेले में बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। यार वो 96 वाला कहाँ गया? वो मरेगा तो नहीं, इतना तो मुझे पक्का भरोसा है यार, थोड़ा उधर साइड चला गया होगा वो, क्या ना सर्वर पूरे टाइम ऑन रहता है ना तो ये लोग घूमते रहते हैं इधर उधर। ब्रो व्हाट इज़ दिस, ये वल्चर इतनी छोटी कब से हो गई? या वल्चर ही है पर इतनी छोटी, मेरे को पता नहीं था इतनी छोटी रहती होंगी ये। ओ वो रहा एक रेक्स, ओके ये क्या 36 लेवल का ये वाला, ओके ये भी नहीं है, इस वाले से पंगे नहीं ले रहा यार मैं, ये वाला थोड़ा टाइम लगा सकता है। यहाँ पे एक्वस घूम रहा है, क्या बात है। कितनी लेवल का भाई तू? 12 लेवल का है, बेकार। वैसे तो एक्वस काम आ सकता है हमारे, पर अभी क्या करना है यार, इतने कम लेवल वाले को टीम करने के क्या फ़ायदा है ना। हम तो रेक्स ढूंढने आए हैं और रेक्स पकड़ के रहेंगे भाई आज। मैंने अभी ट्रैप वैसे लगाए नहीं है, ट्रैप लगाऊंगा मैं, पर पहले पता तो चले कि अच्छे रेक्सेस हैं भी यहाँ पर कि नहीं। वो टाइटन यहाँ तक पहुँच गया भाई, वहाँ से चल के यहाँ तक आ गया ये, वहाँ पे था पहले उन स्टोन्स के पास में, यहाँ तक आ गया पागल। ये वाला तो शायद 16 लेवल का है, ये तो काफ़ी कम नहीं, ये तो 40 लेवल का है यार। 96 वाला भी तो था यार, वो किधर गया यार? मेगा थीरियम्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, 32 लेवल का है एक, यहाँ पर और देखा था मैंने 32 लेवल का, ये वाला भी है, दो तो 32 लेवल वाले हैं। ये तो फिर थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया है, वहीं पर होगा यार वो, अगर होगा तो थोड़ा डेजर्ट के आसपास चला गया होगा ऐसा हो सकता है, पर होगा तो वहीं पर। ओ एक और टेक रेक्स, ये वाला दूसरा है भाई, नहीं ये वाला वही है, मेरे को लगा दूसरा होगा, थोड़ा कलर डिफरेंट लग रहा है इसका यार। 9 लेवल का है, इसको तो हम मार ही सकते हैं ना, मार देते हैं इसको ज़रा। नाइस, इट वॉज रियली सिंपल यार, 9 लेवल का ही तो था बस। चलो मैंने इसका मेरे डैमेज थोड़ा इतना कर दिया कि शायद अब 100 डैमेज शायद से देने लगे। अब मैं एक काम करूँगा, इसका 1000 स्टैमिना रखने का टारगेट रखता हूँ, 1000 स्टैमिना इस बार, एक बार इसका हो जाए ना तो थोड़ा सा मेरे को चैन मिलेगा यार,
अभी क्या डर लगा रहता है कि स्टैमिना खत्म हुआ है नहीं हुआ, खत्म हुआ है नहीं हुआ, ऐसा लगता रहता है पूरा टाइम। वो वहाँ पे एक और टाइटन है, क्या बात है भाई, दो दो टाइटन्स हमारे बेस के एकदम करीबन करीबन। ये भी 4 लेवल का है, वो कितने लेवल का था फिर ब्रो? दोनों 4 लेवल के हैं क्या? यहाँ पे भी एक और टाइटन है, क्या बात है यार। अरे हमने तो बस इतना ही देखा था, वहाँ पर भी कुछ है। जाऊँ क्या वहाँ पे? मैं एक बार जाके देखता तो हूँ यार क्या है वहाँ पे। ये ओएसएस लग रहा है वैसे, असली चीज़ तो नहीं लग रही है। मतलब वो डेजर्ट में होते हैं ना कि बस तुम्हें दिखाई देता है, असल में वहाँ पे कुछ होता नहीं है, वैसे टाइप का लग रहा है वो। यार चलो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जितने भी रेक्सेस है ना उनको उड़ाता हूँ, जिससे थोड़े नए वाले स्पॉन हो। यार अभी तो पता नहीं किधर ही चला गया, मेरे को लगता है मार वार दिया उसको, पता नहीं क्या कर दिया, उस पर गैंग अप हो गए होंगे ये लोग। इसको मार देते हैं जल्दी से। ओ हो, इतना मत चिल्ला मेरे लाल। कितना दे रहा है मेरे को ये? मेरे को नहीं लगता अभी दे भी पा रहा है कुछ हमें डैमेज, ये 44 दे पा रहा है। ओके ओके, पर ये मरने वाला है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात 36 लेवल का था ये, 36 लेवल। हाँ चलो अभी थोड़े यहाँ पे दो तीन जितने भी थे हमने क्लियर कर दिए हैं। चलो मैं अभी घर पे जाता हूँ, यहाँ पे स्पॉन होते रहेंगे, थोड़ी देर में स्पॉन हो जाने चाहिए नए वाले, देन वील कम बैक एंड सी अगर यहाँ पर आए हैं थोड़े नए रेक्सेस के नहीं। तब तक थोड़ी अपडेट्स देता हूँ तुम्हें मैं, जिनकी बात कर रहा था मैं स्टार्टिंग में। हाँ वैसे यार मेरे को ये देखना ना टाइटन कितनी लेवल का है ये वाला। ब्रो कम ऑन, वाई एम आई नॉट एबल टू सी? ये भी 4 लेवल का ही है, पता नहीं क्यों यार मेरे सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में 4 लेवल का, यहाँ पर दो दो 4 लेवल के टाइटन्स। बाप रे, कुछ तो भाई है दिक्कत यार, 4 लेवल की टाइटन्स क्यों आ रहे हैं? ओके तो थोड़े अपडेट्स देता हूँ तुम लोग को मैं। मैंने एक एनकाइलोसॉरस टीम कर लिया था एंड ऑल्सो अ ड्यूडेक्रेस, क्योंकि हम लोग को यार स्टोन और मेटल की ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना टीम कर लिया जाए इन दोनों को। बहुत बेसिक डायनोज हैं यार, तो मैं दिखाना भी ज़रूरी नहीं समझा यार, मतलब क्या ही दिखाऊँ यार बार बार, है ना। और मैंने वैसे एक यार सीबर टूथ भी टीम किया था, बट वो मर गया यार, क्योंकि यहाँ पर घूम रहे थे कुछ डेडॉन और उन्होंने मेरे पे गैंग अप किया और उन्होंने मुझे मार दिया। और मेरा मेरा जो जेरिमी था, तुम सोच रहे होगे स्टार्टिंग से एपिसोड के कि मेरा जेरिमी कहाँ गया, पर उसने यार मेरे जेरिमी को भी मार दिया। तो अब यार फिर मैं उसको टीम करने की सोच रहा था, टीम करने गया तो यार इन लोगों ने पकड़ पकड़ के पेल दिया रैप्टर्स ने उनको, तो यार ये दिक्कत हो गई यार। तो हमारा जेरिमी भी चला गया, हमारा वो सेबर टूथ भी चला गया, बट नाउ वी आर गोना गो एंड टीम अ रेक्स। फिर तो भाई किसी की चिंता ही नहीं रहेगी यार, फिर तो रेक्स हो जाएगा एक बार तो सबको आके पेलेंगे अपन। सो आई गेस दैट इज़ बेसिकली एवरीथिंग जो कि मैंने ऑफ कैमरा की हो। अभी एक काम करता हूँ, ये जो मेरे ट्रैप्स हैं इनको मैं सेटअप कर ही देता हूँ यार, सही रहेगा ना। तो मैं सारे एरोज़ भी देता हूँ, एरोज़ तो काफ़ी सारे लगने वाले हैं, इतने एरोज़ से कुछ नहीं होगा। मेरे को याद है मैंने यहाँ पे नार्कोबेरीज वगैरह डाली थी। चलो ठीक है, थोड़े से और मैं नार्कोटिक्स बनाता हूँ और फिर हम जाकर देखेंगे अगर हमें एक अच्छा रेक्स मिल जाए तो। वो थोड़ी नार्कोबेरीज पड़ी तो हैं। चलो यार मैंने 85 नार्कोटिक एरोज़ बना लिए हैं, आई थिंक दीज शुड बी इनफ राइट। तो थोड़े बहुत और नार्कोटिक्स हम रख लेते हैं, नार्कोटिक्स तो वैसे हम बाद में भी लेने आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई जस्ट हैव टू गेट दिस ट्रैप रेडी और होपफुली यार वहाँ पर कोई आए ना ज़्यादा। मतलब यहाँ पे कभी कभी क्या है ना स्पॉन होते रहते हैं डाइनोस, मैं इधर ही लगाने वाला हूँ ट्रैप, तो ज़्यादा डाइनोस अगर ना ही आए तो अच्छा रहेगा। पर तब तक चलो जब तक ये लोग स्पॉन हो रहे हैं तब तक मैं एक ऑप्टिमल पोजीशन ढूंढ लेता हूँ। वैसे ये वाली पोजीशन काफ़ी अच्छी लग रही है यार, या दिस पोजीशन इज़ नॉट दैट बैड। हम लोग थोड़े सेबर टूल्स यहाँ पर मार दें अगर तो हमारा काम काफ़ी आसान हो सकता है। चलो लेट्स गेट रिड ऑफ दीज गाइस। सबसे बढ़िया चीज़ लगती है भाई ये मेरे को, सबसे बढ़िया चीज़ लगती है, तुम ऐसे उठा सकते हो डाइनोस को और सीधा मार सकते हो। आई वॉज वेटिंग फॉर मी टू गेट अर्जेंट आवेश यार, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है यार काम इससे। ये देखो इतना आसान हो गया काम हमारा, बस काम खत्म। 60 लेवल का सेवर टूथ गॉन। सांप भैया भी घूम रहे हैं यहाँ पे, जितने भी हॉस्टल क्रीचर्स हैं ना उनको मैं ज़रा उड़ा देता हूँ यहाँ से, जिससे बाद में डिस्टर्ब ना करें हमें। यहाँ पर जाके ज़रा देखा जाए अगर हमें मिल जाए थोड़े रेक्सेस। ओ है तो सही यहाँ पे एक, ये कितनी लेवल? अच्छा ये तो वही 40 लेवल वाला है। हाँ इसको मारता हूँ मैं, और एक ये नया स्पॉन हुआ है शायद से। पर मैंने एक बात सोची है कि मैं यार क्या कहते हैं 80 लेवल से कम का तो पकड़ूंगा नहीं यार, मैं 80 लेवल से कम का नहीं पकड़ने वाला भाई। डैमेज तो काफ़ी अच्छा दे रहा है यार, मेरे को पता है इम्प्रिंट बूस्ट जो मिलता है ना उसका मेरे को आदत पड़ चुकी है, तो फिर जब इतना ज़्यादा डैमेज पड़ता है ना किसी डाइनो से
तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि इतना पड़ा नहीं मेरे को कभी अर्जेंट एवेज पर डैमेज। देखो 17-17 डैमेज मारता ही, अगर अगर ये वो नॉर्मल हमारे पास नहीं होता ना, इम्प्रिंटेड होता तो ये वो 17 डैमेज मार पाता। थाइल कोलियो घूम रहा है भाई इधर एक 36 लेवल का। ओके वेट अ सेकेंड, यहाँ पे एक और भी है क्योंकि उसके उसके ऊपर हार्ट आ रहा था, ये इतने लेवल का नहीं है। ओके आई हैव टू गेट रेड ऑफ दिस गाय, ये होपफुली जंप ना करे यार मेरे पे ऐसे ही नॉर्मली तो बहुत ही अच्छा होगा। कितना डैमेज कर रहा है मुझे ये, 32 डैमेज, ओके नॉट दैट गुड बट या लेट्स गेट रेड ऑफ हिम। वो कहाँ गया लाल वाला, लाल वाला तो ये रहा भैया, लाल वाला कछू ना कर पा रहा है। इनके लिए बहुत सिंपल ट्रैप होता है भाई बनाना, मैं बना दूंगा यार, ये अभी यहीं पे घूम रहा है ना ये, तो घूमने दो इसको अभी, इसके लिए बाद में हम एक ट्रैप बनाएंगे। बहुत ही आसान ट्रैप होता है, इसको तो मैं उठा के डाल दूंगा उसमें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो यार मैं तो ड्रॉप लेके जल्दी से निकल रहा हूँ यार, यहाँ पे कोई हो ना, बस दिख तो नहीं रहा है वैसे। ओके यार लेट्स गेट द ड्रॉप फास्ट एंड गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। यहाँ पर ओ नाइस, कुछ तो मिला है भाई, मास्टरक्राफ्ट गिली, ओ गिली लेगिंग्स मिली हमें, नाइस। ये तो हमें थोड़ा गर्मी से भी बचा लेंगी, नाइस यार। ओ भाई ये तो मैं गलत जगह आ गया, ये तो मैं गलत जगह आ गया भाई, वाइवन्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो भैया वाइवन्स घूम रहे हैं। ओ डिड ही सी मी और वॉट, ओके लेट मी गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। कल भले ही हमारे अर्जेंट आवेज कितना भी अच्छा हो बट आई डोंट थिंक वी कैन फाइट अ वाइवन, खास कर कि भाई पॉइजन वाला वाइवन है ना वो, आई थिंक दैट इज़ अ पॉइजन वाइवन या नोप, नॉट गन गो एनी वेयर क्लोज टू दैट गाय। ओ भाई वो नीचे ही आ रहा है देखो, ओ बाप रे किसी को तो मारेगा आज वो। ओ हुआ हुआ हुआ, रेक्सपॉन हुआ, रेक्सपॉन हुआ। कितनी लेवल का है भैये, ये है 12 लेवल का, वाडू हेक नाइस। एक और स्पॉन हुआ है, रेक्सेस थोड़े बहुत स्पॉन तो हो रहे हैं पर काफ़ी लो लेवल के हो रहे हैं यार फॉर सम रीज़न। ओ नाइस 103 लेवल का ये तो, क्या बात है यार। ओके ऑफकोर्स वी आर गोना कैच इट, कम ऑन। बस दिक्कत ये कि यहाँ पर हम ट्रैप कहाँ पर लगाएं, नीचे ही लगाएं क्या ट्रैप, यहाँ पर लगाना आई गेस सही रहेगा क्योंकि ज़्यादा हॉस्टल्स दिख नहीं रहे हैं। ओके हॉस्टल्स एक्चुअली हैं यहाँ पर बट आई थिंक वी कैन गेट रेड ऑफ देम, या दैट शुड नॉट बी दैट हार्ड, लेट्स गेट रेड ऑफ ऑल दीज बॉयज। ओ भाई क्या क्या क्या, कितना मेरे को नॉक बैक दे रहा था वो बंदा भाई साहब। चलो होपफुली यहाँ पर ना आए और हम सही से अपना ट्रैप लगा पाएं। ओके आई एम गोना प्लेस द ट्रैप हियर। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हॉस्टल्स आ सकते हैं यहाँ पर ओके फाइन, विल सी अबाउट दैट नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो हम लोग वही ट्रेडिशनल ट्रैप बनाने वाले हैं जो कि हम लोगों ने अपने वर्ल्ड में बनाया था यार, ये हमेशा काम करता है तो ऑफकोर्स आई एम गोना मेक इट। ओके कोई दो राय ही नहीं है भाई, चलो इसको लगाते हैं, हमको ऐसे ओपन रखना है ना, हाँ तो इसको लगाते हैं ऐसे, या फिर पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ आई गेस तो पता चल जाएगा। ओके और यहाँ पर मैं अगर इसको लगाऊंगा ना तो इट शुड बी ओके बट स्टिल आई लाइक कवर दिस अप बैम, तो हमें थोड़ा सा इसको घुमा के लेके आना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं यार, वो तो मैं कर दूंगा या फिर एक काम करते हैं ना, या लेट अस डू दिस, यहाँ से कवर करते हैं। चलो यहाँ से घुमाना काफ़ी आसान रहेगा उसको, एंड लेट मी प्लेस द ट्रैप राइट हियर। नॉइस लेट्स गेट स्टार्टेड बॉयज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेमिंग प्रोसेस। ये पता नहीं मेरा गेम काफ़ी अटक रहा है, आई जस्ट होप के ओह वहाँ पर भी एक रेक्स है, कितने लेवल का है, ज़्यादा अच्छी लेवल का तो इसको पकड़ लें फिर। ओह वाह बहुत ज़्यादा ही अच्छी लेवल का है वो वाला। भाई तू मार देगा इनको कि मैं मारूँ फिर, आई गेस मार तो देना चाहिए पर डीडोंस थोड़े ज़्यादा खतरनाक से होते हैं, शुड आई लाइक हेल्प हिम और समथिंग। ओ एक सेकेंड पॉइजन में नहीं जाना यार, आई थिंक ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, लेट मी सी द डीडोन लेवल, डीडोन लेवल 28 का है, या आई थिंक ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, देर शुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक बार ट्रैप हो जाए ना बस फिर यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर हमारे पास यार नो टर्निंग बैक रियली, यहाँ पर बंदी नहीं आनी चाहिए फिर। ब्रो जल्दी मार दे, नाइस नाइस नाइस, अब मेरे पीछे आता रहे चुपचाप से एकदम, ठीक है आ रहा है ना, एक सेकंड रुको आने दो उसको यहाँ पे, एंड ओके ही शुड बी ट्रैप्ड। नाइस 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 नाइस, इसको लगाओ जल्दी से बैम,
ओ दिस शुड बी ओके आई गेस। जस्ट इन केस मैं यहाँ पर भी एक लगा देता हूँ। मुझे पता नहीं है भाई, शायद से निकल भी सकता था वो, इसलिए मैंने लगा दिया। ओ ओ ओ उधर मचा। ओके ट्रैप तो ये हो गया है, बस दिक्कत ये है कि यहाँ पर हॉस्टाइल्स ना आ जाए यार, मेरे को वो बड़ी टेंशन लग रही है। चलो ट्राई करते हैं बॉयस, ट्राई करके ही पता चलेगा। वन एरो इन, बहुत टाइम लगने वाला भाई। एरोज यार मैंने देखे थे, अच्छा इसके लिए तो नहीं देखे, मैं 92 वाले के लिए देखे थे यार, उसके लिए कुछ 78 लग रहे थे, इसमें पता नहीं अब कितने लगेंगे। एक बार यार चलो बाद में देखूंगा मैं, बस नारकोटिक्स तो पड़ी है ना, नारकोटिक्स 14 पड़े हैं मेरे पास। सो अगर थोड़े कम पड़े एरोज तो फिर हम लोग ये वाले यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बॉयज़ थोड़ा टाइम लगने वाला है, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, जब ये हो जाएगा अनकॉन्शियस तब मिलता हूँ तुमसे वापस से। यार ये तो लाल पड़ रहा है यार, भाई मर नहीं जाए यार ये, हाँ मर सकता है क्या यार, क्योंकि मैं इसको 30-30 डैमेज कर रहा हूँ यार। ये 103 लेवल का है, कम ऑन, इतनी कम हेल्थ नहीं हो सकती भाई इसकी कि मर ही जाए ऐसे। नहीं भाई ये हमको मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है भाई ये तो मेरे को। ओके इज फाइनली डाउन, मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था कि भाई ये मरवर ना जाए यार। भाई की हेल्थ देखो यार, ओके हेल्थ बची तो है इतनी सारी, फिर क्यों भाई, वैसे इसकी हेल्थ तो काफ़ी 4000 है यार, क्या मान गया यार इसको तो। चलो चलो जल्दी से खाना देते हैं, टाइम पास वाली बात नहीं कर रहे, जल्दी से खाना दो इसको और टीम करो यार, अब ये बंदे ना आ जाए बस इधर उधर, क्योंकि इसका भाई लेवल बूस्ट काफ़ी अच्छा मिल सकता है इसको। 103 का है ना, तो हो सकता है ये कि 150 तक का हो जाए, बट लेट्स सी इसको अगर दूसरे बंदे आ गए ना मारने तो दिक्कत हो जाएगी। पर भाई हेल्थ इसकी काफ़ी अच्छी है, स्टैमिना भी बढ़िया है, मेले डैमेज भी ठीक है, मतलब अब क्या ही बोलूँ मेले डैमेज के बारे में, मैं सही है। चलो सही है अभी थोड़ा वेट करते हैं यार, बस यहाँ पर गंदे बंदे ना आए। ओके आई एम गोना वेट राइट हियर, थोड़ा सा जब इसकी लेवल बढ़ेगी और ये दिखाएगा कि इतना लेवल बूस्ट हो रहा है तब मैं वापस आता हूँ और तुमको बताता हूँ फिर। वैसे प्राइम मीट हमारे पास है क्या, प्राइम मीट होना चाहिए यार, यार प्राइम मीट नहीं हमारे पास, हमने इतने बंदे हमारे तो आई थॉट आई वुड हैव सम प्राइम मीट बट नोप नो लक एट ऑल। एक चीज़ हम कर सकते हैं वैसे, नीचे जो 9 लेवल वाला रेक्स है ना उसको मार के हम लोग थोड़ा प्राइम मीट ले सकते हैं, दैट इज़ गना बी अमेजिंग, क्योंकि फिर थोड़ा जल्दी जल्दी तो होगा कम से कम ये टीम, अभी तो रॉ मीट से तो पता नहीं कितनी धीरे धीरे होने वाला है ये। ओके आई विल किल दिस गाय, गेट सम प्राइम मीट एंड लेट्स सी अगर थोड़ा जल्दी हो तो। ओके गॉट सम प्राइम मीट, 4 प्राइम मीट मिला है हमें, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, 4 प्राइम मीट में कम से कम 2 तो खा पाएगा ये बीच में, उतना भी बहुत है। गिव मी द प्राइम मीट बॉय, प्राइम मीट खा भाई, तू प्राइम मीट खा यार, छोटे छोटे मीट मत खा, तू प्राइम मीट खा मजे कर। इससे ये हम लोग ले लेते हैं,
4.2% हो रहा है बस एक बार में, बाप रे 51 लेवल इसकी बढ़ जाएगी तो हो जाएगा ये 154 लेवल का, काफ़ी अच्छा यार वैसे, इतना बुरा भी नहीं है। सर उसको मैंने प्राइम मीट दिया, देखते हैं शायद से 20% तो यार एक बार बढ़ जानी चाहिए। ओ खाया खाया खाया, देखते हैं कितना बड़ा इसका, बड़ा है 12% कुछ बड़ा है। चलो ठीक है यार, मतलब इट्स बेटर देन नथिंग राइट। उसका इसको मीट दे देंगे हम नॉर्मल वाला, तो वो खा लेगा ये फिर। वैसे शायद मैंने बताया नहीं था पर मेरे पास सैडल नहीं है इसकी, तो रेक्स की जो सैडल है वो लेवल 74 पे खुलती है, तो फिलहाल मैं इसको बस कमांड्स वमांड्स दूंगा यार कि भाई जा इधर जा उधर जा, उसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट इट्स ऑलवेज गुड टेमिंग अ रेक्स अर्ली गेम राइट, इट्स ऑलवेज गुड, तो मैं कैसे ही बोल रहा हूँ जैसे मैं हमेशा ही करता हूँ। मतलब पहली बार मैंने अर्ली गेम रेक्स टीम किया है, पर मेरे को लगता है काफ़ी काम आ सकता है हमारे, क्योंकि वैसे ही हमारी लगी पड़ी रहती है। अब ये बंदा कुछ तो काम आएगा, ये देखो जैसे साउथ में मूवी नहीं बनाते जिसमें ऐसा शीशा वाला सीन दिखाते हैं, सुपर हीरो ऐसे चलता रहे सामने और नीचे पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, वैसे अपन पूरी मूवी बना सकते हैं इसमें ये सेल्फी मोड यूज़ करके। ये देखो, हे बिरजू माँ के कंगन वापस कर दे रे। ओ ओके, मुझे लगा दो और प्राइमेट खाएगा पर हो गया ये, क्या बात है। हम लोग इसका नाम रखने वाले हैं टायरेंट, टायरेंट फ्रॉम द रेसिडेंट ईविल सीरीज। तुम लोगों ने अगर रेसिडेंट ईविल देखा होगा या खेला होगा तो मैं पता होगा, और बाय द वे वैसे रेसिडेंट ईविल 3 आ चुका है तो मैं वो खेल भी रहा हूँ अपने चैनल पे। इफ़ यू गाइज वांट टू सी इट देन यू कैन सी इट, मैं एक डाल दूंगा वहाँ पे, प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा आई कार्ड्स में। यार बढ़िया है तो मेरा रेक्स तो बढ़िया है, स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है ये तो। चलो इसको हम लोग घर पर लेके आते, घर पर लेके आएँ या फिर थोड़ी ट्रेनिंग कराएँ इसकी। चलो फिलहाल तो घर पे ही लेके आते हैं, फिर बाद में देखेंगे। यहाँ पर ओ ये पुलवोमेरिया पता नहीं क्या स्पॉन हुआ है, इसको मरवाएं क्या हम ज़रा। ओके नाइस, जा 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 जा, मार 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 मार, देखते ज़रा मारता है क्या। ओ भाई हमारे बेस के पास में थोड़ी चीज़ें स्पॉन हुई हैं भाई, उनको जाके हमें मारना पड़ेगा। चल भाई रेक्स जल्दी जल्दी कर, 136 डैमेज इज प्रीटी गुड, नाइस। आ जा आ जा आ जा, जल्दी आ जा जल्दी आ जा, वहाँ पर थोड़ी चीज़ें स्पॉन हुई हैं भाई, वहाँ पे मेरे को लगता है हाइनाडॉन्स आ गए हैं हमारे बेस पे, विच इज़ बैड ब्रो। इधर से आ, इधर से आ यार, एक तो ये सेबर टूथ भी मारेगा तुझे है ना। चल नहीं मार रहा, आजा 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 जल्दी आ, कितनी मस्त लग रही है तितली है, ये मारेगी पर, और ये भी नहीं मार रही। चलो चलो ये हाइनाडॉन्स का हम काम तमाम करें यार, हाइनाडॉन्स बड़े परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर कैसे स्पॉन हो गए पर ये लोग, ओ बाप रे भाई, अब जाएगा हमारा रेक्स रैम्पेज पे एकदम, जा मार दे सबको भाई टायरेंट, गो गो गो। मैं सोच रहा हूँ एक और टीम करूँगा मैं, उसका नाम रखूँगा नेमेसिस भाई, दोनों हमारे रेसिडेंट ईविल सीरीज वाले हो जाएंगे मज़ा आएगा भाई। क्या एस्केप कर रहे हैं यार ये लोग, अभी कम डैमेज दे रहा है क्योंकि ये लोग पैक में है ना। चलो कोई बात नहीं कोई बात, अब भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पैसिव हो जा तू, आजा आजा कोई बात, ये तो ऐसे भागते रहेंगे भाई, इनका कुछ भरोसा नहीं है, तू आजा भाई अपने नए घर पे तेरा स्वागत है। वैसे अभी घर बना नहीं है ये, बट प्रिटी सून दिस इज गना बी ए नाइस होम। हमने क्या 5th एपिसोड में एक रेक्स टीम कर लिया, क्या बात है यार, प्राउड ऑफ अस यार, प्राउड ऑफ अस, बढ़िया। वो 11 लेवल बढ़ गई इसकी, क्या बात कर रहे हो, मैंने किस किस को हरा दिया भाई ऐसा। वो पुलवरियों को हराया था मैंने, यहाँ पर दो मैंने हाइनाडॉन्स को हराया, ऑफकोर्स वो ज़्यादा लेवल के थे दोनों चीज़ें, पर ओके वेल वॉट एवर। इसकी हेल्थ भाई काफ़ी अच्छी हो गई, स्टैमिना भी अच्छा है, इसका फूड से तो हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, मूवमेंट स्पीड तो भाई 100% ही रहती है, तुम नया टीम करते हो तो। मेले डैमेज भी अच्छा है इसका, मैं अभी सारे के सारे मेले डैमेज में बफ करने वाला हूँ इसे, अभी मेले डैमेज में सही रहेगा इसका। और काफ़ी सारा प्राइमेट हो गया भाई इसके पास, तो क्या बात है भाई, छा गया गुरु, छा गया मेरे लाल। अभी इसके बाद सैडल हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए ना, तो बस मैं अपने काम चालू कर सकता हूँ, मैं रैंप पे चालू कर सकता हूँ यहाँ पे। चलो बॉयज यार, आखिरकार हमने जो प्रॉमिस किया था, जो मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट एपिसोड में, वो मैंने पूरा किया। हम लोगों ने एक रेक्स टीम कर लिया है और अच्छी खासी लेवल का टीम किया है। बस थिंकिंग कि हम लोग 92 लेवल का टीम करेंगे, पर ये तो भाई उससे भी ज़्यादा अच्छा निकला। आज तो यार लाइक मैं रख रहा हूँ 5000 लाइक्स का भाई, आज तो यार हो जाए यार पूरा, क्या बोलते हो, एक रेक्स के लिए एक इतना तो कर सकते हैं अपन राइट। सो या गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइस एंजॉयड द एपिसोड। मेरे को तो भाई बड़ा मज़ा आया आज यार, हम मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, और जब वो वाली फीलिंग आती है ना एआरके में, तो तुम कॉन्फिडेंटली हर चीज़ करते हो। ऑफकोर्स मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हरा सकती हैं, पर अभी ऐसी फीलिंग आ रही कि नहीं हरा सकती, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अभी मैं अगले एपिसोड तक इसको थोड़ा लेवल अप करूँगा जिससे मेरी भी लेवल बढ़े, और ट्राई करूँगा कि इसकी सैडल जल्दी से जल्दी खुल जाए। अभी तो 74 लेवल तक होगा,
बट आई विल ट्राई दैट। अभी एक्चुअली पता है मैं घर के स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाऊंगा ना तो उसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, सो आई विल डू दैट। मैं इसी के अंदर इंटीग्रेट करने वाला हूँ अपने बेस को, ये जो ये वाला छोटा पहाड़ है उसके अंदर मैं धीरे धीरे इसको उस पहाड़ के ऊपर ले जाने वाला हूँ, ये जो अपना पूरा पहाड़ है ना इसके ऊपर ले जाऊँगा। सो दैट्स द बेसिक आइडिया राइट नाउ, बाद में देखते हैं थोड़े बहुत प्लान्स बढ़ जाएंगे तो पता चलेगा, पर अभी फ़िलहाल की तो भाई यही प्लान है। चलो यार बॉयज़, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।